एकदम खुश है, मस्त है। अब आइए जानते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। बहुत सारे लोग को बहुत सारे परेशानी हुई, बहुत सारे लोग की मौत भी हो जाती है, बहुत सारा नुकसान होता है बिजली गिरने से।
और बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट साल जाने में क्या होता है, भूकंप के आने से क्या क्या परेशानी होती है। अब हमारे सर प्रतिनिधि आ रहे हैं आपके पास, कितना शांति बनाए रखें। नेताजी जय हो। नेताजी जय। खाने पीने भूखे मर गए, कुछ भी नहीं बचा, सब तबाह हो गया। पत्नी तो नहीं आ सकती है आपकी, लेकिन आपके जितने भी दुख दर्द हैं वो सब आगे तुम लोग करना चाहिए था। सबको बोलो ना, अगर शिफ्ट कर सकते तो कर लो नेक्स्ट एक्ट के लिए। तनु मैम को बोलो, नेताजी सब तुम आ जा देंगे, आपको घर रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको नेताजी हम लोग जवाब देंगे। नेताजी का 10 लाख रुपया का आप लोग को योजना के लिए तहत आप लोग को 10 लाख रुपया सबको बोल देना कि आगे चलना आप लोग को मुहैया कर दी जाएंगी। कृपया आप लोग निश्चिंत रहे, हमारा नेता कैसा हो पहचान करनी चाहिए।
बताओ भाई लोग हमें भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए? मजबूत टेबल और ऊंचे पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए, नीचे गिरने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए, पब्लिक प्लेस पर भंगर न मचाए, घर के किसी कोने में संरक्षण ले। चलो ये सब हो गया भाई लोग, हमें ये बताओ कि हमें भूकंप के बाद क्या करना चाहिए? गैस सिलेंडर बंद करना चाहिए, घर का फ्यूज बंद करें, टूटे फूटे मकानों से दूर रहे। हम सबको सर मिलकर चलना चाहिए, कृपया बाहरी दीवारें खिड़कियों और दरवाजों की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। भूकंप आए ना आए, भूकंप आए ना आए, सुरक्षा हमारी जारी रहेगी, सुरक्षा हमारी जारी रहेगी, क्योंकि हम तैयार हैं, क्योंकि हम तैयार हैं, और हमें जीतने का साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, और हमें जीतने का साथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, भूकंप आए ना आए, भूकंप आए ना आए, सुरक्षा हमारी जारी रहेगी, सुरक्षा हमारी जारी रहेगी, क्योंकि हम तैयार हैं, क्योंकि हम तैयार हैं, धन्यवाद।